हेलो व्यूअर्स, अनाना क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड ऑरेंज पील एंड शुगर लिप स्क्रब। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये ऑरेंज पील एंड शुगर लिप स्क्रब टेस्ट में बहुत ही यमी और डिलीशियस होता है और ये विटामिन्स, कैल्शियम्स और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है ना। इसे बनाने के बाद हम रेफ्रिजरेटर में इसे 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर पर इसकी शेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन ही होती है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए ऑरेंज पील, 1 फ्रेश ऑरेंज पील, शुगर 2 टीस्पून्स, कोकोनट ऑयल 1 टीस्पून, सिनेमन ऑयल 10 ड्रॉप्स, रोज़ वाटर आधा कप। बस तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये शुगर लेना है। हमें ये 2 टीस्पून नॉर्मल शुगर लेना है। इस शुगर को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ उसे इतना ही पीसना है कि हमें उससे एक कोर्स पाउडर मिल जाए। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है ना। और ये हमारा ऑरेंज पील है, इसे हम रोज़ वाटर के साथ पीस कर मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे, है ना। ये हमने शुगर भी पीस लिया है और ऑरेंज पील भी मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हमें शुगर पाउडर मिल गया है, ये थोड़ा कॉर्स पाउडर है, ये फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं है, है ना। और ये हमारा ऑरेंज पील का पेस्ट है। चलिए अब हम बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये 2 टीस्पून शुगर लेंगे, है ना, और ये 1 टीस्पून हम इसमें ऑरेंज पील पेस्ट लेंगे, है ना। उसके बाद हम 10 ड्रॉप्स इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे। ये डाल दिए हमने कोकोनट ऑयल। हमने 5 ड्रॉप सिनेमन ऑयल भी डाला है, जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है और हमारे लिप स्क्रब को ख़राब नहीं होने देगा, है ना। चलिए अब हम इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर इसके साथ अब हम इसका स्किन पैच टेस्ट भी कर लेते हैं, है ना। ये देखिए कितना अच्छा और शानदार हमारा ये बनकर तैयार हो गया है ना। ये देखिए, तो आप भी अपना होममेड ऑरेंज पील शुगर लिप स्क्रब घर पर बनाइए और अपने अनुभव अनाना क्रिएशंस के साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, है ना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। थैंक यू।